आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए लेके आए दो बहुत बढ़िया खबरें बजाज फाइनेंस लिमिटेड के लिए। क्यों स्टॉक इतनी तेजी से भाग रहा है और अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। निफ्टी 50 का एक स्टॉक है और लीडर है अपने सेगमेंट का। चलिए चलकर शुरुआत करते हैं क्या आपके लिए स्पेशल खबर लेके आए हैं। अगर देखें मार्केट कैप की दृष्टि से, इसकी मार्केट कैप 311 करोड़ के आसपास की है। अब इसकी अगर हम जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बारे में बात करें तो महिंद्रा फाइनेंस इनको चोटी की टक्कर देता है। वो भी होम लोन प्रोवाइड करता है, सारे के सारे लोन्स जो ये जिसमें एक्सपर्ट हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और दूसरे नंबर का इनका कॉम्पिटिटर है मुत्तूत फाइनेंस, जो कि एक गोल्ड लोन के लिए एक्सपर्ट है। तो इसके चलते फिर बजाज फाइनेंस इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है और वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक क्यों है इस सेगमेंट के लिए, तो ये सब बहुत अच्छी खबर है। और जो हमारे पास दो एक्सक्लूसिव न्यूज है उसमें ये कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ देगा। आइए समझाते हैं कैसे। अब देखिए आने वाले समय में स्मार्टफोन जो है वो एक बेसिक नेसेसिटी हो गई है। अगर आपका कोई 2 साल का बच्चा है वो भी स्मार्टफोन को यूज करना जानता है और उसको भी एक अपना पर्सनल स्मार्टफोन चाहिए। तो इस सब के चलते हुए इन्होंने प्रीपेड प्लान के साथ पार्टनरशिप की है वोडाफोन आइडिया के साथ में। और अगर आप उनके प्रीपेड प्लान में रजिस्टर करते हैं तो आपको छोटी छोटी ईएमआई पर फोन मिल जाएगा। तो अब आपको सारा का सारा पैसा एक साथ देने की जरूरत नहीं है। स्पेशली रूरल एरिया में वहां क्या होता है, लोगों के पास पूरा पैसा नहीं होता पर वो ईएमआई पे खरीद सकते हैं। तो उनकी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक व्यू है, दोनों को फायदा मिलेगा। वोडाफोन को नए कस्टमर बेस मिलेंगे और साथ ही साथ में बजाज फाइनेंस को फाइनेंस करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि 10,000 से 15,000 का कोई भी फोन आएगा तो अगर आप उसकी 6 महीने की भी ईएमआई लगाएंगे तो हर मंथ आपको 1,500 से 2,000 रुपए में आपको फोन मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी स्कीम है और उसके ऊपर से डिस्काउंट भी दे रहे हैं वोडाफोन वाले। 49 से लेकर 99 तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है फॉर योर प्रीपेड सर्विसेज। तो बहुत अच्छी खबर है उसके हिसाब से। इसी के चलते हुए थोड़ा सा स्टॉक ने बहुत पॉजिटिव रिएक्शन दिखाया। कल के रेफरेंस में अगर बात की जाए तो देखिए कल का जो भाव था सीधा एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में चला था 4883 से बढ़कर 5145 और आज थोड़ा सा सस्ता रहा है। खुला ऊपर था 5224 का हाई बनाया और उसके बाद में लो से यहां से थोड़ा सा बाउंस बैक किया 5134 और अभी कंसोलिडेट कर रहा है 5154 के आसपास। उम्मीद है यहां से ऊपर चलेगा और फर्दर ऊपर जाने की है। प्लीज अभी उसको शॉर्ट मत कीजिएगा। क्यों कह रहे हैं समझिए इस बात को। देखिए बुलियंजर बैंड बहुत अच्छा कंसोलिडेट करके और उसके सपोर्ट से उठकर चला है तो यहां से ऊपर जाना लाजमी है स्टॉक को। बुलियंजर बैंड अभी एक्सपेंड होने के लिए काफी ऑप्शन अवेलेबल है वहां पर। यहीं पर अगर आरएसआई को देखिए तो थोड़ा सा एक अलर्ट लेवल पर है, 77 का लेवल है। हो सकता है एक दो दिन थोड़ा कंसोलिडेशन करे, आरएसआई नीचे आए फिर ऊपर जाने के लिए पुश मिले उसको। और अगर आप देखें कि कहां तक अगर बाय चांस इसमें करेक्शन आता है तो कहां तक करेक्शन आ सकता है, उसके लिए सबसे अच्छा हमारे पास टूल जो है वो है फिबोनाची आर्च टूल। हाई और लो को मिलाइए तो जो 62% का बनता है वो बनता है 4381। तो लेवल का ध्यान रखिएगा, जब हम एंट्री बताएंगे आपको स्टैगर्ड मैनर में वहां पर काम आएगा। अब देखिए जो ये प्रीपेड प्लान है ये क्यों इतना पॉपुलर है। अगर आप वोडाफोन की बात करें तो पोस्ट पेड प्लान में तो वो डोमिनेंट है ही है, उनमें कोई लीडर नहीं है उनके बराबर। 42% की उनके पास कस्टमर बेस है पर प्रीपेड में अब वो अपना सिक्का चलाना चाहते हैं, इसलिए लोगों को बंडल ऑफर दिया जा रहा है जो और कंपनी अभी तक किसी ने ऑफर नहीं किया है। तो दोनों को बहुत तगड़ा फायदा होगा आने वाले क्वार्टर्स में। अगर बजाज फाइनेंस की हम सेल्स की बात करें तो सेल्स का लेवल 6500 करोड़ के आसपास का है। प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाए तो 964 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी है। ये अभी आपके जो दिसंबर का लेवल था 1600 वहां तक नहीं पहुंची है, पर जैसे जैसे आगे इकोनॉमी एक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा। अगर आप देखें इसमें नए कस्टमर एडिशन के लिए तो इतने लेवल पर अभी भी कस्टमर एडिशन नहीं हो रहे हैं। यहां पर अभी थोड़ा सा इकोनॉमी आपको समझना चाहिए, इकोनॉमी इतनी जल्दी रिकवर नहीं करती है। जॉब चली गई है लोगों की तो जॉब को वापस मिलने में उनको पैसा खर्च करने में टाइम लगता है। ये एक लीडर नहीं लैगर की तरह से काम करता है। अब अगर हम देखें बजाज फाइनेंस की शेयर होल्डिंग पैटर्न तो प्रमोटर के पास 56% होल्डिंग है और जो नेक्स्ट हाईएस्ट होल्डिंग है वो 21% की है एफआईआई के आसपास। और आप और हम जैसे लोग जो पब्लिक सेगमेंट में माना जाएगा वो 11% के पास होल्डिंग रखते हैं। दोस्तों इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से कभी मत निकालिएगा, ये एक जेम स्टॉक है। अब देखिए कोविड का इंपैक्ट तो हर स्टॉक पर पड़ा है, बजाज फाइनेंस पर भी पड़ा था, पर अभी अच्छी न्यूज ये है कि वैक्सीन आने की बात चल गई है। तो वैक्सीन के आने के बाद में ये स्टॉक यहां से तेजी से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा इस बात को समझिए। देखिए दोस्तों इकोनॉमी पिकअप करेगी तो आपका जो लीडर है एनबीएफसी सेगमेंट में बजाज फाइनेंस
वो लीड करेगा इन सब रिकवरी के बाद जो भी प्राइस एक्शन आएगा। तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन पर अपने आप को प्लेस किया हुआ है बजाज फाइनेंस ने। हर नुक्की कॉर्नर पर उनकी शॉप्स हैं, उनके ऑफिसेज हैं, और आपको किसी भी तरह का लोन चाहिए, अब तो स्मार्टफोन का लोन भी चाहिए तो वो भी देंगे। देखिए हर तरह के लोन में अपनी सिक्का चला रहे हैं। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग। अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो देखिए इनके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है 100,000 करोड़ के आसपास है, और वहां पर डिपॉजिट देखें तो करीब करीब 21,000 करोड़ के आसपास की इनके पास डिपॉजिट है। तो बहुत हेल्दी बुक है उनके पास में। अगर इनका टारगेट की बात की जाए तो 3 साल का टारगेट 12,000 का है हमारा। पर एंट्री कहां करनी है दोस्तों? अभी के टेक्निकल लेवल के बेसिस पर आप स्टैगर्ड मैनर में खरीदिए। करंट मार्केट लेवल से लेकर 4381 तक आप स्टैगर्ड मैनर में इसको खरीदने की कोशिश कीजिए। सारा पैसा एक साथ ना लगाइएगा, ये रिटेल इन्वेस्टर को हम हमेशा संकेत करते हैं, 3 स्टैगर्ड मैनर में इस लेवल में खरीद सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबाना। हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्टिव इंट्राडे ट्रेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। और आपके लिए 4 वीडियो प्रस्तुत है हमारे 1600+ वीडियो के सिलेक्शन में से। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो। बाय गाइस।